एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रूह फिश की कली की रेसिपी। तो इसके लिए हमने ले लिया है प्याज, जिनको हमने चॉप करके कटिंग करके रखा है, और साथ में लिया है दही, और साथ में मसाला में लिया है हमने जीरा, धनिया और अक्खा सूखे गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, इलायची, अदरक, लहसुन, सभी को मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, और लिया है टमाटर और ग्रीन चिली, और साथ ही में हमने रूह फिश को भी अच्छे से कड़क कड़क करके फ़िश को फ्राई करके रखा है। और अभी हमारी हो चुकी है तेल गरम, और जो कि हमारी फ़िश की जो मच्छी का जो तेल था वही है तेल। तो तेल भी गरम हो चुकी है, तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। तो प्याज को थोड़ी सी लाल लाल थोड़ी सी भून लूँगी, भूनने के बाद मसाला भी छोड़ देंगे हम इसको। तो गाइस घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को देखिए आप सब, आप सभी को अच्छी लगेगी वीडियो। जैसे कि देख सकते हो अभी ऑनियन हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, अभी मैंने यहाँ पे जीरा, अदरक, लाल सूखा मिर्च, अक्खी वाली जो लाल सूखा मिर्च होती है वो, और अक्खी जो गरम मसाला होते हैं ना, दालचीनी, लौंग, इलायची, वो सब मैंने एक ही साथ में पीस लिया मिक्सी में। तो अभी मैं ये मसाला ऐड कर दूँगी, और अभी मैं गैस का फ्लेम स्लो रख रही हूँ, नहीं तो है ना मसाला जल जाएंगे हमारे, इसकी वजह से। और साथ ही में गाइस एक चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक लिया मैंने, एक चम्मच नमक लिया है, इतने नमक में हो जाएगा तो मैंने वो भी डाल दिया। अच्छा, इसको बोलते हैं रूह फिश की कलिया, रूह फिश कलिया। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, इसमें आप चाहो तो काजू बादाम पीस के भी डाल सकते हो, और जो मगज होती है वो भी पीस के आप डाल सकते हो। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, तो मैंने नहीं डाला। साथ ही में मैं टमाटर डाल दूँगी भूनने के लिए। अब जब मसाला पूरा पक जाए और फिर तेल बाहर आने लगे, तो फिर समझे कि मसाला हो चुका है। आपको इसको जलाना नहीं है, बारीक स्लो फ्लेम करके ही मसाला को पका लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही गाइस। हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हो अभी हमारी मसाला जो है ना पक चुकी है, तेल भी बाहर आ चुकी है। तो अभी है ना इसी स्टेज पे मैंने दही डालूंगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, देख सकते हो अच्छे से फेंट लिया, आप भी अच्छे से फेंट लो। और अभी मैं डाल रही हूँ दही। और साथ ही में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसमें। मैं एक कटोरी पानी यूज करी, जो दही का कटोरी था ना उसका ही, ताकि अपना दही जो है वो वेस्ट भी ना हो। बस इतना ही पानी डालना है, आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको चाहिए। अगर आपको रस्सा रखना है तो रस्सा भी रख सकते हो, नहीं तो अगर सूखा बनाना है तो आप सूखा ही रख सकते हो। मैं इसका ग्रेवी ग्रेवी रखूँगी, ज़्यादा भी सूखा नहीं और ज़्यादा भी पानी नहीं। तो अभी हम इसको पकने देते हैं, और फिर हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे और फिश भी। देखिए हमारी सालन जो है ना वो उबाल आ चुकी है इसमें। तो अभी है ना मैं फिश डालती हूँ इसमें।
ये रूह फिश है। तो ये है रूह फिश की कलिया। अभी ऊपर से मैं ग्रीन चिली डाल देती हूँ इसमें। अभी गाइस घर पे ऐसा बनाए और खाए और रेसिपी शेयर करें मेरे साथ, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो, मेरे वीडियो को शेयर करो सबके साथ, अपने परिवार के साथ। गाइस देखो फिश अभी लगभग रेडी है हमारी फिश, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब तक आप इसको रेसिपी को ट्राई ना करें। गाइस जैसे देख सकते हैं हमारी रेडी है अभी।